बड़ी खबर दें, एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से खबर है कि शरीफ फैमिली की सजा मौतल हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। एवनफील्ड रेफरेंस में शरीफ फैमिली की सजा मौतल हो चुकी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने नाजरीन को हम दे रहे हैं कि एवनफील्ड रेफरेंस में शरीफ फैमिली की सजा मौतल हो चुकी है। नवाज शरीफ जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी, मरियम नवाज जिन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जिन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई थी, ये तमाम सजाएं इस वक्त मौतल हो चुकी हैं। एवनफील्ड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से शरीफ फैमिली की सजाओं को मौतल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। कमरा अदालत खचा खच भरा हुआ था और सभी को इस फैसले का इंतजार था। ये फैसला आ गया है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान की सजाएं मौतल कर दी है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की सजाएं मौतल कर दी गई हैं। सजाएं मौतल कर दी गई हैं, फैसला सुना दिया गया है। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, वहां क्या सूरत हाल है जानते हैं। नीलम बताइएगा, सजाएं मौतल हो चुकी है, फैसले में मजीद क्या कहा गया और अदालत की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हमारी सख्त आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जो है सुना दिया है। मुलजमान की जो सजाएं हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है, जमानत पर रहा करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताया कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और सेलिब्रेशन जो है वो की जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊँ की थोड़ी ही देर पहले ये इत्तला भी आ रही थी कि चंद कारकुनान यहाँ पर मिठाई के डब्बे और इस तरह की चीजें भी लेके आए हैं सेलिब्रेशन को मनाने के लिए, लेकिन अभी ये फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुनाया गया है कि तीनों मुलजमान की सजाएं जो है उनको मुअत्तल किया जाता है, जमानत पर रहा किया जाता है। एक शॉर्ट ऑर्डर है, इससे जो तफसीलात है वो बात आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इसराइल के दौरान अगर पाकिस्तान में कोई अंधा शख्स था उसे भी साफ नजर आ गया है कि इन मुकदमात के अंदर ना आईन है ना कानून है, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम और प्री पोल रिगिंग थी जिसका मकसद नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी मैदान से बाहर निकालकर इमरान खान की जाली कामयाबी के लिए राह हमवार करना था। मैं पाकिस्तान के उन करोड़ों आवाम को भी मुबारकबाद देता हूं, मुस्लिम लीग नून के कराची से गवादर तक और गवादर से गिलगित तक, पेशावर और पंजाब और सिंध, बलोचिस्तान, फाटा, शेर शेरों ने नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए दुआएं की हैं, अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल की हैं और मैं समझता हूं, मेरी जाती राय है कि ये नॉन पीसीओ इंसाफ की एक झलक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप क्या कहेंगे आज के फैसले के हवाले से? इंतहाई अहम फैसला है, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का करम है, इंसाफ की फतह हुई है, इंसाफ की फतह हुई है और मियां नवाज शरीफ के चाहने वालों को कराची से लेके गिलगित तक मुबारकबाद है। इंशाअल्लाह ताला आज जो इंसाफ की फतह हुई है बाकी भी इस सारे मुकदमात में मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो हैं वो सुरखुरू होंगे।